जय सनातन धर्म की। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज आपसे एक बहुत गंभीर बात करनी है। गंभीर बात इसलिए करनी है कि मेरे जो कहे हुए शब्द होते हैं, हर व्यक्ति उसका मतलब अपने अपने तरीके से निकालता है, और इस संसार का दर्पण ऐसा है कि इसमें जब इंसान चेहरा देखता है तो उसे खुद का चेहरा तो उज्जवल नजर आता है और संसार विकृत नजर आता है। इस संसार का दर्पण है ही ऐसा। इसलिए आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी को सुनिए, समझिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक समय की बात है, एक नाव में कुछ लोग सवार थे। बीच नदी के वो नाव पलट जाती है। उस नाव में जो सवार थे वो चार लोग थे। एक स्वयं व्यक्ति था जिसे आप स्वयं मान सकते हैं, और उसके साथ में उसकी मां, उसकी पत्नी और उसका पुत्र। ये लोग नाव में सवार थे। नाव पलट जाती है, पानी में सब डूबने लगते हैं। अब आपके सामने एक दुविधा है, आप बचा तो सकते हैं लेकिन किसी एक को बचा सकते हैं, तीनों को आप नहीं बचा सकते। अब आप किसे बचाएंगे? आप मां को बचाएंगे, आप पत्नी को बचाएंगे या बेटे को बचाएंगे? अब यहां पर इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और कागज पर पहले अपना उत्तर लिखिए कि आप किसे बचाएंगे। उत्तर लिखने के बाद ही आप आगे के वीडियो को देखना, तभी आप स्वयं का आकलन कर पाएंगे। आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा, अब बात आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने उत्तर लिखा है कि मैं मां को बचाऊंगा क्योंकि मां ने मुझे जन्म दिया है, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। किन लोगों ने यह उत्तर लिखा है कि हम मां को बचाएंगे? आप प्रसन्न हो रहे हैं ना, क्योंकि आपका उत्तर ठीक है। क्योंकि मां जिसने हमें जन्म दिया उसके प्रति हमारा कर्तव्य था। आज हम पत्नी और बच्चे के कारण से मां को छोड़ दें, यह हमारा धर्म नहीं कहता। हमें मां को सबसे पहले बचाना चाहिए। आपके विचार यही है ना? आपके विचार अच्छे हैं लेकिन आप गलत हैं। आपका उत्तर दूसरों का क्या है? आप कहेंगे, जिन लोगों ने यह उत्तर लिखा कि हम पत्नी को बचाएंगे, आप भी सही हैं, क्योंकि आपका उत्तर अपनी जगह पर आपने लिखा है ना, आप सही हैं। सही क्यों है? क्योंकि आप सोच रहे हैं मां की उम्र तो पूरी हो चुकी है, बच्चे को बचाऊंगा तो बिना पत्नी के इसका लालन पालन कैसे करूंगा? पत्नी रहेगी तो बच्चा तो दोबारा भी आ सकता है। मां का समय तो वैसे भी पूर्ण होने वाला है। जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता तो मुझे पत्नी की है, इसीलिए मुझे पत्नी को बचाना चाहिए। आप ठीक सोच रहे हैं, यही आपका उत्तर है। आप प्रसन्न होइए कि आपका उत्तर सही है, लेकिन आप गलत हैं। अब किसी ने लिखा मैं अपने पुत्र को बचाऊंगा, तो भी आप ठीक हैं। क्यों ठीक हैं? क्योंकि पत्नी आपकी जीवन साथी है, पुत्र के प्रति आप दोनों का एक कर्तव्य है। जैसे मां ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, वैसे ही आपका धर्म भी तो अपने पुत्र के प्रति है।
आप लोगों ने तो संसार देख लिया है, अभी पुत्र ने तो बहुत कुछ देखना बाकी है और आपके कुल का दीपक है। आपका वंश आगे कैसे चलेगा, इसीलिए सबसे पहले पुत्र को बचाना चाहिए, क्योंकि पुत्र से आगे वंश भी चलेगा और आप अपने कर्तव्य का भी निर्वहन कर पाएंगे। अगर ऐसा आपने सोचा है तो आप ठीक हैं, आपका उत्तर ठीक है। आप प्रसन्न होइए कि आपने सही उत्तर दिया है, लेकिन सावधान, आप गलत हैं। अब आप कहेंगे हम तीनों में से किसी को भी बचाएं, उत्तर गलत है, तो फिर सही उत्तर क्या है? जानते हो इसका सही उत्तर क्या है? कौन है जिसने इस उत्तर को लिखा है कि मैं उसे बचाऊंगा जो मेरे सबसे नजदीक होगा? आप में से किसने इस उत्तर को लिखा है, ईमानदारी से बताइए। ये कहानी पहले सुनी हुई है, इसलिए आपने अगर ये उत्तर लिखा है तो आपको प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भेद को जानते हैं, लेकिन इस भेद को जानने के पश्चात आपको अपने जीवन के अंदर भी इस भेद को उतारना है। अगर आप वहां कामयाब हो गए हैं तो आपका उत्तर आपको प्रसन्नता जरूर देगा, लेकिन यदि आप कहानी को पहले सुन चुके हैं और फिर आपने ये उत्तर लिखा है तो आप केवल और केवल अभी शब्दों के माया जाल में फंसे हैं। क्योंकि इसका सही उत्तर तो यही है कि जो आपके सबसे नजदीक होगा आप सबसे पहले उसको ही बचाएंगे, या आप ये नहीं देखेंगे कि इसके साथ मेरा रिश्ता क्या है, उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है। जो सबसे नजदीक आपके होगा, आपकी पहुंच में होगा, आप सबसे पहले उसको बचाएंगे। आप ये गलती नहीं कर सकते कि जो आपके सबसे नजदीक है उसको छोड़ देंगे और जो आपसे थोड़ा दूर है आप उसको बचाएंगे, क्योंकि उसके साथ आपका एक संबंध है। आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। यहां अब अपने आप की जगह परमात्मा को रख के देखिए। अब आपको उत्तर स्पष्ट समझ आएगा कि परमात्मा इस प्रलय के अंदर किसको बचाएगा जो उसके सबसे नजदीक होगा, क्योंकि वो ये भेद नहीं कर सकता कि वो आपको छोड़ दे, आप उसके नजदीक हो, और वो किसी और को पकड़े जो उससे दूर है। ऐसी गलती परमात्मा कभी नहीं करता। इसलिए इस भव सागर के अंदर जब हम डूबने लगते हैं तो सबसे पहले हमें ईश्वर का सहारा तभी मिलता है जब हम ईश्वर के नजदीक होते हैं। वो रिश्ते नहीं देखता, वो केवल निकटता देखता है कि कौन किसके निकट है। इसीलिए इस कहानी को कहने के पीछे जो भाव है वो यही है कि ये कहानी अब सबके जीवन में दोहराई जाएगी, और इस कहानी के मर्म को समझ करके यदि आपने अपने चरित्र का अनुसरण किया तो फिर भव सागर से पार, इस प्रलय से पार आपको निश्चित तौर पर होना है, क्योंकि आप परमात्मा के सबसे नजदीक हैं। इसीलिए दर्शकों, इस बात की गंभीरता को समझिए। अब कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कहा जाता है? इतना घुमा फिरा के क्यों कहा जाता है? सांकेतिक क्यों कहा जाता है? कितना अच्छा हो कि साफ साफ कह दिया जाए कि देखो ये समय खराब है, अब तुमको ऐसा करना है। तो एक बात का ध्यान रखिए, इस प्रकृति के कुछ नियम हैं, उन नियमों को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण को क्या पता नहीं था कि आज पांडव के पांचों पुत्रों का वध होने वाला है? तो यहां पर वो प्रातः सुबह उठ करके पांडवों को कहते हैं चलो घूमकर आते हैं, द्रौपदी को कहते हैं चलो घूमकर आते हैं और अपने पांचों पुत्रों को भी साथ ले लो। द्रौपदी कहती है प्रभु अभी अभी युद्ध से आए हैं, थके हुए हैं, उन्हें थोड़ा विश्राम कर लेने दीजिए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है द्रौपदी, और चल पड़ते हैं प्रातः भ्रमण के लिए। लौट कर आते हैं, देखते हैं कि पांचों पुत्रों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया है। यहां द्रौपदी कहती है, विलाप करती है, प्रभु ये क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं भी प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूं, मैं केवल संकेत दे सकता हूं, उसके आगे मुझे करने की आज्ञा नहीं है। यहां द्रौपदी को सोचना चाहिए था, युद्ध से तो सभी लौटे हैं, थक तो सभी रहे होंगे, फिर यहां प्रातः इतना जल्दी भगवान श्री कृष्ण यदि कह रहे हैं चलो घूम कर आते हैं तो कुछ तो प्रयोजन होगा, कुछ तो कारण होगा। जिन्होंने पूरे युद्ध का संचालन किया, क्या उनके शब्दों को, उनके कार्यों को, उनके आदेश को यूं हल्के में लिया जाना चाहिए था? लेकिन लिया गया और परिणाम द्रौपदी के सामने था। इसीलिए ईश्वर भी संकेत रूप में आपसे बात करता है, आपको आभास कराता है, किसी के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाता है। उसको गंभीरता से लेना या नहीं लेना ये आपका दायित्व है। अगर मेरी बात आपको अब भी समझ नहीं आई तो एक छोटा सा उदाहरण रख देता हूं आपके सामने, बात बहुत आसानी से समझ आएगी। एक बालक का जब जन्म होता है तो उस बालक के जन्म के साथ ही उसके पेट पालने की व्यवस्था परमात्मा स्वतः ही कर देता है, माता के स्तन से दूध आने लगता है। यहां परमात्मा ने व्यवस्था कर दी उस शिशु की, माता के स्तन में दूध आ गया है, लेकिन यहां भी शिशु को एक कार्य करना ही होता है। स्तन से दूध सीधा उसके पेट में नहीं जाएगा, उसे मां के स्तन को चूसना पड़ता है, दूध का दोहन करना पड़ता है। वो अबोध सा बालक जिसने अभी ढंग से आंख खोलना भी नहीं सीखा है, जिसके हाथों की मुट्ठियां अभी खुली भी नहीं है, वो अबोध सा बालक वहां भी उसे वो दूध चूसना, मां के स्तनपान को करना कौन सिखाता है? वो जन्म के साथ सीख कर आया है कि उसे संकेतों को कैसे समझना है। जैसे ही उसके पास मां स्तन लेकर जाती है, बच्चा उसे चूसने लगता है, स्तनपान करने लगता है। अगर आप अपनी उंगली का एहसास भी उसके होठों के पास करेंगे तो वह आपकी उंगली के साथ भी वही प्रक्रिया करता है, वो सोचता है कि शायद मां के स्तन है। यानी संकेतों को समझने की ताकत ईश्वर ने आपको जन्म के साथ दी है, लेकिन आप यदि अपनी उस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम तो समझते ही नहीं हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हमारी तो बुद्धि तेज नहीं है, हम तो भोले भाले हैं, हम तो अनपढ़ हैं, तो एक अबोध बालक, एक दिन के बालक से क्या कम बुद्धि आपके अंदर है? क्या उससे भी कम योग्यता आपके अंदर है? अगर उससे भी कम योग्यता है तो फिर आप तो बहुत बड़े भ्रम में हैं, और आपके इस भ्रम को तो ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकते। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलिए, ईश्वर ने आपको स्मरण शक्ति दी है, संकेतों को पहचानने की ताकत दी है, लेकिन मैंने कहा ना, इस संसार का दर्पण है ही ऐसा जहां स्वयं व्यक्ति अपने आप को उजला पाता है और संसार उसे विकृत नजर आता है। इसीलिए तो वो बालक आंख बंद रखता है, क्योंकि उसे अभी संसार को देखना ही नहीं है। अपनी मुट्ठियों को बंद रखता है क्योंकि अभी उसे इस संसार से कुछ चाहिए ही नहीं।
ये भाव ये स्थिति उस बालक की है तभी वो ईश्वर के संकेत को भी पहचानता है। मां के स्तनों को नजदीक आते ही उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और वो अपना पेट भर लेता है। इससे ज्यादा सरल शब्दों में मैं आपके सामने भविष्य का वर्णन नहीं रख सकता क्योंकि हर चीज की एक मर्यादा होती है। इसीलिए परमात्मा चाहता है, ईश्वर चाहता है, हर वो कल्याणकारी आत्मा चाहती है कि आप सबका कल्याण हो, आप उस धर्म युग में प्रवेश करें, आपके भीतर उस युग के अंदर जाने की पात्रता आ जाए। इसीलिए अभी आप लोगों के ऊपर परमात्मा कार्य कर रहा है। इस कार्य की, इस परिवर्तन की पीड़ा को अगर आप कुछ और समझ रहे हैं तो आप फिर बहुत बड़ी भूल में हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।